बहुत सस्ती सब्जी भाई, भिंडी 20 रुपए किलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज मैंने जाना है सब्जी लेने, तो मैं सोच रही हूँ कि स्टेशन जाऊँ। स्टेशन में अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं, फ्रेश मिलती हैं और सस्ती मिलती हैं। तो फयाज को कॉल किया है कि आ जा, और आरव अभी तक आया नहीं है। आरव 22 को आ रहा है, ठीक है। तो फयाज को बुलाया है कि फयाज आ जा, मार्केट जाते हैं, मार्केट से सब्जी वब्जी भर के लेके आते हैं। तो बस फिलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी, फयाज का वेट कर रही हूँ। फयाज आ जाए फिर हम जाएंगे सब्जी लेने। यहाँ पे स्टेशन पे चलना है दादर, यहाँ पे दादर चलना है, यहाँ पे ये तो 30 रुपए का, तो वहाँ पे भी मिलता है 30 रुपए के लिए, 30 रुपए के लिए। तो भाई स्टेशन में भी सेम रेट पे ही सब्जी मिल रही है, तो मैं सोच रही हूँ दादर जाती हूँ, दादर में और सस्ती मिलेगी। अभी हमें आना पड़ेगा ट्रेन से दादर। तो भाई यहाँ पे भी सब्जी वही रेट है, हमारे घर के नीचे भी वही रेट है, तो क्या ही मतलब है सब्जी मार्केट आने का। इसलिए हम जा रहे हैं दादर। और अगर दादर में भी महंगा मिला ना, तो याद में मेरी जान ले लेगा फयाज, मेरी जान ले लेगा ना, अगर दादर में भी यही रेट पे मिल रहा। आम लेगा, आम आ गए ले लिया, 40 रुपए का दादर का टिकट लिया, अब सब्जी मिल जाए। चलो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी ना। अरे कितने मिनट बाद आती है, इतने मुंह के पास क्या लगाता है, दूर से बना तो दूर से तो सक्सेस भी होता है इसमें, तो सक्सेस है। तो गाइस मैं आ गई सीधे दादर मार्केट, और यहाँ क्या सस्ती सस्ती सब्जी थी यार, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस, क्या ही बोलूँ मैं। 100 रुपये ड्रैगन फ्रूट, हमारे यहाँ वो देसी काकड़ी वाला 20 रुपये का देखो। कितना है 20 का 10 है, 10 का 4 है, 5 बोला था मैंने। कितना बोला था? मैंने बोला था 10 का 5 मिलेगा। अभी कितना है ये? 10 का 4। बैग भरा है, हेलमेट भरा है, हाथ भरा है, मेरे हाथ भरे हैं। तो देखा कितना सस्ता मिलता है, 10 रुपए के 5 नींबू, मतलब 5 नहीं मिले 4 मिले। बहुत सस्ती सब्जी भाई, भिंडी 20 रुपए किलो। देखा लद्दाख में कितना है, 180 रुपए किलो। लद्दाख में 180 रुपए किलो भिंडी मिल रही है, यहाँ पे 20 रुपए किलो मिल रही है। यहाँ से कुरियर करने में फायदा है। भाई हालत देखो, चल चल, इतनी सब्जी है कि मैं अकेले ले भी नहीं जा सकती ऊपर। तू सब्जी ले जाके क्या करेगा, खाना तो तूने मेरे घर पे ही है। तो भाई आप देख रहे हो, प्याज आलू 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 3 कलिंगड़ क्योंकि फयाज आ जाता है इफ्तारी करने, तो ये भी ले लिया है फयाज के लिए, ठीक है। और इधर कटहल। तो भाई इतनी सस्ती सब्जी है यार, मैं तो हर हफ्ते दादर ही जाऊँगी, दादर से लेके आऊँगी। हमारे नीचे 30 रुपये 35 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, आलू मिल रहा है, वहाँ से 50 रुपये का 2.5 किलो प्याज, 50 रुपये का 2.5 किलो आलू, 50 रुपये का 2 किलो टमाटर, और ये कलिंगड़ 90-90 रुपये के लाता है फयाज, ठीक है। ये 40-40 रुपये में लाए, इतना बड़ा कलिंगड़ देखो, 40 रुपये में बस, ठीक है। और ये देखो 30 रुपये पाव मिलती है शिमला मिर्च, यहाँ पर 30 रुपये की मैं आधा किलो लेके आई, ठीक है। कटहल लेके आई हूँ 50 रुपये का 1 किलो, ठीक है। और क्या है, और गाजर, ये कितने के होंगे बताओ, 10 रुपए के गाजर है बस, 10 रुपए में इतने सारे गाजर, ठीक है। धनिया की पूरी गड्डी 10 रुपए की, यहाँ पे लेने जाओ तो इतना सा ऐसे तोड़ के देंगे 10 रुपए में। तो कुल मिला के बहुत सारा अच्छा खासा सामान आया, अभी पूरा हिसाब करके फिर बताऊंगी आज मैंने कितने रुपए बचाए हैं, ठीक है। चलो फिर बात, पुदीना भी देखो 15 रुपए की गड्डी पूरी, समझे। पुदीने की चटनी और बनाऊंगी पकौड़ी, फयाज यही है, फयाज इफ्तारी करके भेजूंगी फयाज को अच्छे से, तो फयाज के लिए चटनी पकौड़ी
फ्रूट सब कुछ है फयाज, अब तो तारी कर सकता है आराम से। चीकू, हाँ चीकू 50 रुपए के 12 दाने और उसने एक दाना एक्स्ट्रा दिया, 13 दाने दिए 50 रुपए, ठीक है। कितना सारा सामान, नींबू 10 रुपए के 4, मैं लाई 20 रुपए के 8 नींबू। तो भाई सब रेडी कर दिया है मैंने, ठीक है, फ्रूट्स भी काट दिए हैं, पकौड़े भी बन रहे हैं। तो दादर लेके गई थी अम्मी को, तो उसका भरपूर ध्यान रखा गया है। पकौड़ी बन रही है, इधर कावा बन रहा है मस्त, और कृपा और मिकी को भी बोला है, वो भी शायद आ रहे हैं। हाय मिकी, अकेले आया ये आदमी, मैंने इसे कहा था वेदू को ले आ, इसे अकेले घूमने का शौक है। अकेले मतलब तुम लेके आते ना, कुछ भी कुछ भी, पैदल आना था क्या, उसने गोद में आना था ना तुम्हारी। चलो खाओ, तुम्हारे लिए पकौड़ी बनाई है मैंने, ये लो। आज हम दादर गए थे, क्या सब्जियां लेके आए, पास से लाए ना भैया, आप ही उधर गए थे ना जय पर। अच्छा बेबी स्ट्रॉबेरी खा रही है, ओए लड़की मैं धोखे दे दूंगी, ऐसे नहीं खाते। तो गाइस इधर मेरा खाना है रेडी, कटहल की सब्जी, आलू मटर, रोटी, चटनी और एक गिलास भर के छाछ और उसके साथ में सैलेड। तो मैं चली खाना खाने, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।